अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है और आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में जो वाइब्रेशन होता है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो बस आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में जो वाइब्रेशन होता है उसको किस तरीके से टर्न ऑफ़ कर सकते हैं और बाद में अगर चाहिए तो टर्न ऑन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको शॉर्ट वे में बताऊँ तो इसके लिए आपको कोई ज़्यादा ट्रिकी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे साउंड वाले ऑप्शन में जाना है एंड साउंड वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर वाइब्रेशन के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वाइब्रेशन किस चीज में रखना है, यानी कि जब आपको कॉल रिसीव हो तो कॉल रिसीव होने के टाइम आपको वाइब्रेशन सेट करना है। नीचे आपको और भी सारे कई ऑप्शंस मिल जाते हैं, यानी कि डायल पे टोन के साउंड्स, यहाँ पे सब कुछ मैन्युअली आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप इस जो वाइब्रेशन रहता है इसको आप यहाँ पे जब टर्न ऑफ़ कर देते हैं और टर्न ऑन कर देते हैं तो आपके जो कॉल जब भी रिसीव्ड होगा तो उसमें आपको एक वाइब्रेशन होगा, यानी कि कॉल रिसीव होने के टाइम आपको साउंड नहीं आएगा, सिर्फ मोबाइल वाइब्रेट होगा, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका कॉल यहाँ से रिसीव्ड हुआ है। आपको चाहे तो आप यही से इसको टर्न ऑफ भी कर सकते हो और मैं यही से टर्न ऑन भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप डिसाइड भी कर सकते हैं कि इसको सिम वन के लिए रखना है या सिम टू के लिए। उसके नीचे आपको और भी सारे कई ऑप्शन मिल जाते हैं, यानी कि डायल पैड टोन्स के, स्क्रीन लॉकिंग साउंड्स एंड चार्जिंग साउंड्स, यहाँ पे कई सारे डिफरेंट साउंड्स आपको यहाँ पे मिलते हैं जिसमें आप यहाँ पे टर्न ऑफ कर सकते हैं या तो टर्न ऑन कर सकते हैं। वेल ये जो है ये ओनली साउंड बेसिस पे है, ये तब काम आता है जब आप स्क्रीन को लॉक करते हैं तो उसमें आपको साउंड आता है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो टच साउंड में सिर्फ आप जब भी टच करेंगे तो आपको यहाँ पे साउंड आता है, तो अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से भी आप उसको टर्न ऑफ़ कर सकते हैं, टर्न ऑन कर सकते हैं। नीचे आपको और भी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, वाइब्रेट ऑन टैप, इसी तरीके से आपको और भी सारे कई यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे वाइब्रेट ऑन यूएसबी चेंज्ड, वाइब्रेट ऑन टैप, इसी तरीके से आप वाइब्रेशन अपने मोबाइल में ऑन ऑफ कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, वाइब्रेट फॉर कॉल्स, वाइब्रेट फॉर टैप, वाइब्रेशन ऑन यूएसबी चेंज्ड, ये तीन चीज़ें हैं जो आपको वाइब्रेशन में हेल्प करेगी। तो इसी तरीके से आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में वाइब्रेशन का टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन कर सकते हैं। दिस विल हेल्प यू इन 2020। सो दैट्स इट ऑल अबाउट।